Congress state in charge, Sachin Pilot, arrived in Chhattisgarh for a two-day visit. And after the meeting of the state Congress committee, he held a press conference. Sachin Pilot in a press conference said that Rahul Gandhi is starting the Bharat Jodo Nyay Yatra from January 14. The Manipur government has given partial permission for this journey. This journey is not for politics. It will stay in Chhattisgarh for 5 or 6 days. The condition of the country in the last 10 years will be highlighted during this time. There is a political strategy of pressure and aggression happening now. Sachin Pilot commented on India Alliance, expressing concern for the BJP. The purpose of the journey is to connect with the people, and the Lok Sabha results will be in our favor. PC Chief Deepak Baij and veteran Congress leader were present at the press conference. छत्तीसगढ़ में आज हम सब लोग प्रदेश कार्यकारिणी की सभा में भाग लेने जा रहे हैं और दो दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायज़ा लेने के लिए, संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को ज़रूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।